जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। मैं रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैसेज एजुकेशन पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क सेकंड पार्ट, जिसमें कार्य छोड़कर चले जाने वाले प्रश्न देखेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही आपके प्रश्न में देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए बी सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी है जो ए बी सी किसी काम को 20, 24 और 30 दिनों में करते हैं। पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया है। अब तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसको बेसिक से समझिएगा, इसके बाद हम आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाएंगे शानदार ट्रिक के साथ। ए 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है कार्य समाप्त होने के पहले। अब देखिए कार्य छोड़कर चला जाता है, बाद में भी और पहले वाला दोनों एक साथ पूछा गया है, ऐसा आपके एग्जाम में पूछता है। तो समाप्त होने के बीच 6 दिन काम छोड़कर चला जाता है। देखिए 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। जब की पूछा गया है कार्य समाप्त होने के पहले भी 6 दिन काम छोड़ चुका था तो पूरा कार्य बताओ। तो पूरा कार्य चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 17 दिन। जिनको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अन्यथा हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए ए कार्य कितने दिन में करता है, ए का कार्य है आपका 20 दिन, बी का कार्य है आपका 24 दिन, सी का कार्य है आपका 30 दिन। अब तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया है तो तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। जब भी ऐसे वाला सवाल मिलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो हम 20, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका 20 यूनिट, कितना आ जाएगा आपका 20 यूनिट, टोटल इसका 20 यूनिट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 20 छ का 120, 24 पंच 120, 30 चौक 120, टोटल कार्य भी निकालेंगे। ध्यान से समझना, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया है तो इसका आंसर यहाँ पर आया। अब बोला गया है कि कार्य प्रारंभ किया है लेकिन प्रारंभ होने के 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो चलिए 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया है। तो समझना, 4 दिन बाद जब एक काम छोड़कर चला जा रहा है, बाद वाले में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम इसको माइनस करेंगे। पहले वाला सवाल में हम प्लस करते हैं तो उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 दिन बाद जा रहा है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 6 चौक 24 और ये आपका आ जाएगा 6 पंचे 30। इसको हम माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पर सी का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर सी का कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो ये सी वाला बच गया है लेकिन यहाँ 6 दिन पहले ही छोड़ चुका है, यानी कि इसका काम बाकी है बी प्लस सी का, बी प्लस सी का काम बाकी है। तो देखिए आप देखेंगे जब आपको 20 यूनिट है तो इसमें हम चलिए सॉल्व करते हैं, 120 यूनिट में माइनस 24 प्लस 30 तो टोटल कितना यूनिट आ जाएगा, 126 यूनिट निकल कर आपका आ जाएगा। अब देखिए जब बी काम कर चुका है, ए कार्य छोड़कर चला गया है, लेकिन बी कार्य छोड़कर नहीं गया है ना, उसको जाने नहीं देंगे, वो पहले ही छोड़ चुका है, तो बी प्लस सी का कार्य। तो चलिए देखते हैं अभी टोटल कितना यूनिट आया है, 126 यूनिट निकल कर आ चुका है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो 126 यूनिट निकल कर आया है बटा बी प्लस सी का कार्य अभी भी बाकी है, तो 126 में बी प्लस सी का कार्य कितने हैं, 5 और ये 4, तो 5 और 4 कितना हो गया आपका 9। उसी प्रकार 126 को 9 से भाग करेंगे कितना बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा, यानी कि बताओ पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, तो ये आपका टोटल 14 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 14 दिन में करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल सके।